तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब लेकर। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं PMAG का। ये लिखते हैं कि सर सोनी X90K एंड X95K इंडिया में कभी आएगा? PMAG सोनी X90K ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका है, सोनी इंडिया की वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया गया है। इस टीवी के तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 55 इंच, 65 इंच एंड 75 इंच। जो सोनी X95K है वो फिलहाल सोनी इंडिया की वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया है और इन दोनों ही टीवी मॉडल के प्राइस वगैरह भी अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। उम्मीद करते हैं ये दोनों ही टीवी इंडियन मार्केट में जुलाई 2022 में मिलना शुरू हो जाएंगे। अला आप एक क्वेश्चन लेते हैं पीयूष सचन जी का। ये लिखते हैं कि बिगेस्ट ड्रॉबैक आर व्यूइंग एंगल्स विच डिफीटिंग द होल पर्पज ऑफ ए प्रोजेक्टर स्क्रीन। और एक क्वेश्चन में विनय जीनगर लिखते हैं कि भाई ये कर्व्ड स्क्रीन के हिसाब से लगाओ। तो दोनों ही पर्सन का क्वेश्चन है या रिमार्क है रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन के बारे में, जिसका मैंने रिव्यू किया था। तो वो जो रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन है तो सिर्फ सामने से ही उस पर बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलती है। ज़रा सा भी हम इधर उधर जाते हैं तो उसके जो कलर वगैरह हैं वो डल होना शुरू हो जाते हैं, पिक्चर क्वालिटी उस पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। तो विनय जिनगर जी का कहना है, और एक पर्सन ने और कमेंट किया था कि इसे कर्व्ड स्टाइल में इसको स्क्रीन को लगाएं तो शायद इसके व्यूइंग जो एंगल है वो बढ़िया हो सकते हैं। तो आपका जो ये सजेशन है मैं ज़रूर इसको चेक करके देखूंगा कि कर्व्ड स्क्रीन में इसको अगर हम बनाते हैं तो व्यूइंग एंगल इसके अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं। और कर्व्ड स्क्रीन में इसको लगाने के लिए एक कर्व्ड शेप में एक फ्रेम बनवाना पड़ेगा, बाकी तो आई थिंक कोई तरीका इसका ऐसा नहीं है कि इसको कर्व्ड स्टाइल में दीवार पर हम लगा सकें। तो फ्रेम बनवाना पड़ेगा इसके लिए पहले, लेकिन आपका जो सजेशन है बढ़िया है तो मैं इसको ट्राई करके ज़रूर देखूंगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं आसिफ खान जी का। क्या बात है, मेरे ही नाम से मिलता जुलता नाम है। ये लिखते हैं कि भाई आपने इस प्रोजेक्टर का स्क्रीन साफ करने का वीडियो बनाया है क्या? मेरे पास सेम प्रोजेक्टर है और मुझे भी साफ करना है, प्लीज रिप्लाई। आसिफ खान जी, कुछ टाइम पहले मेरे प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे दो बड़े बड़े से ब्लैक स्पॉट नजर आ रहे थे। वो डस्ट के थोड़े बड़े पार्टिकल्स थे जिसकी वजह से वो स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। तो मैंने प्रोजेक्टर को खोलकर उसको पूरी तरीके से क्लीन किया था, लेकिन उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया। काफ़ी टाइम लग गया उसको खोल के उसको दोबारा फिट करने में, और फिट करने के बाद में साउंड नहीं मिल पा रहा था, जो स्पीकर था वो वर्क नहीं कर रहा था। फिर से दोबारा मुझे उसको खोलना पड़ा, कुछ जो वहाँ पर कनेक्टर थे वो लूज़ वहाँ से रह गए थे। तो काफ़ी टाइम लगा, इसलिए मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया था। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उसे क्लीन करूँगा तो उसका वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि मुझे भी ये प्रोजेक्टर खोलने का एक्सपीरियंस पहले नहीं था। तो मैंने सोचा कि जब मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं उसका वीडियो ही क्या बनाऊँ, लेकिन अब इसका एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है तो आगे जब भी मैं उसे क्लीन करूँगा तो उसका वीडियो बनाकर ज़रूर अपडेट करूँगा। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा डस्ट है, बहुत टाइम हो गया है आपको यूज़ करते हुए, तो आपको पूरा प्रोजेक्टर खोल कर उसे क्लीन करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर एक दो छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट ही नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे तो आप पूरा प्रोजेक्टर नहीं खोलें। प्रोजेक्टर की जो बॉटम साइड है वहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है, उस स्टिकर को आप रिमूव कर दें। वहाँ पर एक छोटा सा लॉक दिया गया है, उस लॉक को आप खोल के वहाँ पर आपको एक होल नज़र आएगा और उस होल में से आप कोई भी कॉटन वगैरह किसी भी पतली सी चीज़ पर सिलाई वगैरह पर लगा कर और उससे आप स्क्रीन है वो क्लीन कर सकती हैं। जो भी ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं उस होल को आप ऊपर की साइड में रखें, ऐसे पलट कर रख दें जो प्रोजेक्टर है और उसको ऑन कर दें और स्क्रीन पे आपको ब्लैक स्पॉट वगैरह नज़र आएंगे और फिर वहाँ पर आप जो है उसको क्लीन कर सकते हैं। तो पूरा प्रोजेक्टर आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बेसिकली इसीलिए ही वहाँ पर दिया गया है ताकि स्क्रीन पर अगर कोई डस्ट पार्टिकल आ गए हैं तो आप इजीली उसको नीचे से ही क्लीन कर लें, पूरा आपको उसको ना खोलना पड़े। तो आप चेक कर लें कि एक दो ब्लैक स्पॉट अगर आप नज़र आ रहे हैं तो इस तरीके से आप उसे क्लीन कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत टाइम आप यूज़ करते हुए हो गया है तो अंदर जो रिफ्लेक्टर वगैरह उसमें लगे होते हैं तो उन पर डस्ट वगैरह आ गई होगी, तो फिर उसको पूरा खोल के क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं नियंश जी का। ये लिखते हैं कि थैंक्स ब्रो, नो मेजर चेंजेस एक्सेप्ट प्रोसेसर, डॉल्वी एटमॉस डॉल्वी विजन भी नहीं दिया है, पैनल कितने बिट वाला है, 8 या 10? तो नियंश जी का क्वेश्चन है जो LG ने 2022 के 4K टीवी मॉडल लॉन्च किए हैं उनके बारे में, कि उसमें पैनल 8 बिट है या 10 बिट है और डॉल्वी एटमॉस और डॉल्वी विजन भी उसमें नहीं दिया है। तो बिल्कुल ये सच है कि बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, सिर्फ
जो प्रोसेसर है वही चेंज किया गया है। लास्ट ईयर 2021 में क्वाड कोर प्रोसेसर था और अभी जो है A5 जनरेशन 5 प्रोसेसर LG ने लगाया जो कि लेटेस्ट ही अभी लॉन्च किया है इसी साल में। और डॉल्वी एटमॉस और डॉल्वी विजन का जो सपोर्ट है LG अपने हाई एंड टीवी मॉडल में देता है, तो इसलिए मिड रेंज टीवी मॉडल में वो कभी भी नहीं देगा, फिर उसके जो हाई एंड टीवी मॉडल है वो सेल नहीं होंगे। दूसरा जो पैनल टाइप है, तो जो LG के मिड रेंज की टीवी मॉडल है तो सभी में 8-bit पैनल ही दिया जाता है, कभी भी LG उनमें 10-bit पैनल नहीं देता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं SP Musicals जी का, ये लिखते हैं कि सर 50-inch 4K टीवी के लिए सोनी X75K वर्सेस TCL 725 में से बेस्ट टीवी कौन सी है। SP Musicals जी, TCL के दो मॉडल आते हैं C725 और P725। TCL C725 QLED पैनल के साथ में आता है, जबकि P725 जो मॉडल है वो नॉर्मल 4K पैनल के साथ में आता है। तो यहाँ पर आप किस मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं वो आपने मेंशन नहीं किया है। हालांकि अगर फीचर्स के बारे में देखें तो जो TCL के दोनों ही मॉडल हैं C725 और P725 दोनों ही बढ़िया टीवी हैं, और जो C725 है उसमें जो पिक्चर क्वालिटी है वो आपको सोनी X75 के से बेटर मिलेगी क्योंकि उसमें QLED पैनल दिया गया है। लेकिन अगर आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो वो सोनी की थोड़ी बेटर है TCL के कंपैरिजन में। TCL की सर्विस के बारे में काफ़ी इशू रहते हैं, काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि सर्विस जो है वो प्रॉपर इनकी ठीक से नहीं मिल पाती है। तो टीवी के बारे में अगर देखें तो TCL की टीवी जो है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन सर्विस उनकी अच्छी नहीं है। अगर आप P725 मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं तो बेटर रहेगा कि आप सोनी X75 के मॉडल ही परचेज करें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं श्रीकांत अद्देपल्ले जी का, माफ कीजिए अगर आपका नाम मैंने सही से ना लिया हो, तो ये लिखते हैं कि इज इट गुड व्यू मास्टरपीस ग्लो 75 इंच टीवी टू परचेज, प्लीज टेल मी विच इज गुड टीवी टू बाई, व्यू मास्टरपीस ग्लो 75 और मी क्यूलिट 75 प्लीज। श्रीकांत अद्देपल्ले जी, व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी और मी क्यूलिट 75 इंच दोनों ही टीवी मॉडल काफ़ी बढ़िया टीवी हैं। मुझे लगता है कि व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी काफ़ी बेटर है मी क्यूलिट 75 इंच टीवी के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर प्राइस का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी जो है वो व्यू का जो अपना स्टोर है उस पर व्यू स्टोर पर मिल रहा है करीब 1,80,000 रुपये का, और अमेजोन पर मिल रहा है 1,70,000 रुपये का, और जो मी क्यूलिड 75 इंच टीवी मॉडल है तो ये मिल रहा है करीब 1,40,000 रुपये का। जब ये आई थिंक लॉन्च हुआ था तो उस टाइम 1,19,000 या 1,25,000 के आसपास प्राइस था, 15,000 रुपये इस टीवी के प्राइस पे इंक्रीज हो चुके हैं। तो दोनों ही टीवी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी थोड़ा बेटर है, तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो यहाँ पर आपको व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी लेना चाहिए। अगला आप एक क्वेश्चन लेते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क जी का, ये लिखते हैं कि सर जी मेन लाइन चले जाने से इन्वर्टर लाइन से टीवी रिसीवर नहीं चलता है, क्या करें। इलेक्ट्रिकल वर्क जी, पहले अपना जो इन्वर्टर है वो आप चेक करें कि वो साइन वेव इन्वर्टर है या फिर स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। अगर वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर है तो फिर टीवी आपका उस पर नहीं चलेगा, तो उसके लिए जो साइन वेव इन्वर्टर है तो वो आप यूज़ करें, तो उस पर जो है आपका जो टीवी वगैरह है या रिसीवर वगैरह जो भी है वो सब कुछ चल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं सनी मकासरे जी का, ये लेते हैं कि आपका प्रोजेक्टर कौन सा है और कितने का है। तो मैंने एक 120 इंच रिफ्लेक्टिव ALR प्रोजेक्टर स्क्रीन का रिव्यू किया था, और इस रिव्यू के वीडियो में सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने अपना जो प्रोजेक्टर है वो शो नहीं किया उस वीडियो में। एक्चुअली जिस वॉल पर मैंने स्क्रीन को फिट किया था तो उस पर मेरा प्रोजेक्टर लगा रहता था, तो मैंने प्रोजेक्टर को वहाँ से उतार कर दूसरी साइड में टेबल रखी, उसके ऊपर एक चेयर रखी और उसके ऊपर कुछ डब्बे वगैरह रख के प्रोजेक्टर को सेट किया उस स्क्रीन का सेंटर बनाने के लिए। तो गलती मुझसे वहाँ पर ये हो गई कि इस वीडियो में मैंने प्रोजेक्टर शो नहीं किया, तो काफ़ी सारे जो लोगों के क्वेश्चन इस वीडियो के बारे में आया कि मैंने इस पर कौन सा प्रोजेक्टर यूज़ किया है। तो मेरे पास में सिर्फ एक ही प्रोजेक्टर है, ऑन AK6 बेसिक वर्जन है, उसके साथ में मैंने मी बॉक्स 4K कनेक्ट किया हुआ है, तो उसी पे ही मैंने कई सारे जो स्क्रीन के रिव्यू किए हैं तो उसी प्रोजेक्टर के थ्रू ही मैंने किए हैं। तो ये आप दे सकते हैं कि मेरे पास में ये ऑन AK6 बेसिक वर्जन प्रोजेक्टर है, और इसकी प्राइस की अगर बात करें तो ये करीब 16,000 से लेकर 18,000 रुपये के आसपास में मिलता है। अभी लेटेस्ट प्राइस का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसे करीब 18,000 रुपये में परचेज किया था। अगला आप एक क्वेश्चन लेते हैं विवेक जी का, ये लिखते हैं कि 43 इंच 2022 मॉडल आया है क्या। तो विवेक जी पूछ रहे हैं LG के 2022 मॉडल के बारे में कि 43 इंच का मॉडल आया है क्या। विवेक जी, LG ने 2022 के 4K टीवी मॉडल लॉन्च कर दिए हैं, 3 टीवी मॉडल फिलहाल लॉन्च किए गए हैं, UQ8020, UQ8040 और UQ8050।
तीनों ही टीवी मॉडल के तीन तीन वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, 43 इंच, 55 इंच और 65 इंच। इनमें से हो सकता है कि कुछ ऐसे टीवी मॉडल हों जो कि सिर्फ आपको ऑनलाइन मार्केट में ही देखने को मिलेंगे, ऑफलाइन में नहीं मिलेंगे। हालांकि ये चीज़ कंफर्म नहीं है, अभी प्राइस भी इनके अभी कंफर्म नहीं हुए हैं। इसका वीडियो बनाकर मैंने कल अपलोड कर दिया था, दो दिन पहले अपलोड किया था, वो आप देख सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं कुमेल जैदी जी का। ये लिखते हैं कि VA पैनल बेस्ट है या IPS। कुमेल जैदी जी, वैसे तो जो दोनों ही टीवी पैनल हैं, VA और IPS, दोनों के ही अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, लेकिन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर IPS पैनल की बेटर मानी जाती है। जो VA पैनल हैं उनके व्यूइंग एंगल बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। हालांकि अभी जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, VA पैनल में भी व्यूइंग एंगल काफ़ी बढ़िया है। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था देहरादून और वहां पर अपने एक रिलेटिव के घर पे ही मैं रुका हुआ था और वहां पर मैंने एक सैमसंग का 32 इंच का टीवी देखा था जिसमें कि VA पैनल था और मैं वहां पर चौंक गया क्योंकि उसके जो व्यूइंग एंगल थे वो बिल्कुल एग्जैक्टली IPS पैनल की तरह थे। मुझे लगा कि सैमसंग ने इसमें IPS पैनल लगाया हुआ है, लेकिन मैंने जब उसको पैनल को चेक किया तो फिर वो VA पैनल ही था। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि VA पैनल होने के बाद भी उस टीवी के जो व्यूइंग एंगल थे वो इतने ज़्यादा अच्छे कैसे थे। तो उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो भी शूट किया था, तो अगर मेरे पास में वो मोबाइल में होगा, अगर मैंने डिलीट नहीं किया होगा तो मैं यहाँ पर उसको दिखा दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो व्यूइंग एंगल है वो उसके काफ़ी बढ़िया हमें नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सैमसंग का एक 32 इंच का टीवी मॉडल है और उसकी जो व्यूइंग एंगल है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल IPS पैनल की तरह ही यहाँ पर व्यूइंग एंगल इसमें देखने को मिल जाते हैं, हालांकि इसमें VA पैनल ही दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के ये क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।